सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप मिनिमम टू मिनिमम बजट में कैसे घर से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ममिता और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आया है, आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई कहीं पे जॉब करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो देख के इंस्पायर हुए हैं और ई कॉमर्स में आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपने से खुद से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप घर से स्टार्ट कीजिए, आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एक मिनिमम टू मिनिमम आप बजट में कैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, करीब 5 साल पहले हम भी स्टार्ट किए थे ई कॉमर्स बिजनेस, और वो भी एक बहुत ही छोटी सी जगह से, एक अपने रेंटेड होम से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। उसके लिए आपने अलग से वीडियो बनाए हैं कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप ही पहले रजिस्टर कीजिए। अगर आपका कोई भी बिजनेस रजिस्टर नहीं है तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप रजिस्टर करके आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। तो आप बहुत सारे ऐसे कमेंट भी हमारे पास आया है कि आपका अगर रेंटेड होम है तो वो एड्रेस आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका रेंटेड होम है तो आप पहले रेंटल एग्रीमेंट बनाइए, आप वो एज ए एड्रेस प्रूफ आप हर मार्केट प्लेस में सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त दे सकते हैं, ठीक है। अगर रेंटल एग्रीमेंट नहीं है तो आप अपने रेंटेड होम का कोई भी एक प्रूफ, जैसे अगर आपका कोई मोबाइल बिल या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस का डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप। अगर आप लैपटॉप नहीं यूज़ करते हैं, नोटबुक भी चलेगा। उसके साथ आपको चाहिए प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर की बात मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपका बजट सपोर्ट कर रहा है तो आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ ना करके आप लेजर या फिर आप इंक टैंक प्रिंटर यूज़ कीजिए। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंस है इंकजेट प्रिंटर और लेजर या इंक टैंक प्रिंटर में। प्रिंटआउट का जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होता है इंकजेट प्रिंटर में। इंक टैंक प्रिंटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉस्टिंग, प्रिंटआउट का जो कॉस्टिंग होता है वो कम पड़ता है। स्मॉल स्पेस आपको चाहिए जहाँ पे आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, तो वो कपबोर्ड हो सकता है, वो आयरन रैक हो सकता है। फिर आपको चाहिए जहाँ पे आप प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल हर मार्केट प्लेस के लिए अलग से आप परचेस कर सकते हैं। बहुत तरीके का पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे कि पैकेजिंग टेप, कॉर्डिगेटेड बॉक्स, फिर नॉन टियरेबल पैकेट्स। और आपको चाहिए नेसेसरी स्टेशनरीज, जैसे कि टेप्स, कटर, सीजर, ये सब आपको चाहिए। और आपको चाहिए A4 शीट्स पेपर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारे प्रिंटर्स में, लगभग सारे प्रिंटर्स में वो यूज़ होती है। तो A4 शीट्स में आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं, फिर आप लेबल प्रिंट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, लेबल प्रिंट आउट के लिए आपको स्टिकर की ज़रूरत नहीं है, आप A4 शीट्स यूज़ करके आप लेबल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, शिपमेंट के लिए। अभी आपको और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहे, और आप प्रोडक्ट को ऐसे स्टोर कीजिए, SKU वाइज आप पहले शॉर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट को स्टोर कीजिए, ताकि आपका जब भी ऑर्डर आए तो आप मिस शिपमेंट ना हो, आप गलत प्रोडक्ट आप ना पैक करें। अभी दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये भी है, कितने डिज़ाइन से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कितने डिज़ाइन से आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हर दिन नए सेलर्स ई कॉमर्स के साथ जुड़ रहे हैं, और पुराने जो सेलर्स हैं उनका इन्वेंट्री डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आपको इस कंपटीशन में बने रहने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 100 डिज़ाइन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले वो आप 20-30 डिज़ाइन से भी अगर
अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कुछ हद तक विजिबिलिटी आ रहा था, लेकिन अभी आप 100 डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे तो ही आपका विजिबिलिटी भी आएगा और आप सेल्स वॉल्यूम के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों 100 यूनिक डिज़ाइंस, ठीक है, और एक डिज़ाइंस का 5 क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से 10 क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को आप ओवर स्टॉक मत कीजिए, क्योंकि इनिशियली आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल लाएगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले आप कुछ प्रोडक्ट प्रोक्योर कीजिए मार्केट प्लेस में, वो देखिए कौन सी प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है कस्टमर पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का ज़्यादा क्वांटिटी आप स्टॉक कीजिए। दोस्तों आप प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट का जो पैकिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स में। आपको प्रोडक्ट को ऐसे पैक करना है ताकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक सेफली पहुंचे, कोई डैमेज ना हो, ताकि आपका रिटर्न का खतरा कम हो। और लॉजिस्टिक्स वाले भी बहुत ही रफली हर शिपमेंट को हैंडल करते हैं, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि आपको पैकिंग जो है बहुत अच्छे से करना है। और एक बात दोस्तों, अगर आप ऐसे कोई आइटम्स सेल कर रहे हैं, कोई गिफ्ट आइटम्स, कोई ऐसे ऐसे आइटम्स जो टूटने का खतरा है, कोई ग्लास आइटम्स, कोई ज्वेलरी आइटम्स जो आपका टूट सकता है लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट में, वो प्रोडक्ट को आप पैक कीजिए फ्रेजाइल टेप के साथ। दोस्तों एक फ्रेजाइल टेप्स आता है जिसमें लिखा रहता है कि हैंडल विथ केयर, तो वैसे टेप्स आप फाइनल पैकिंग होने के बाद आप प्रोडक्ट के पैक के ऊपर फ्रेजाइल टेप्स को लगा दीजिए, शिपमेंट के वक्त आपका वो प्रोडक्ट केयरफुली हैंडल हो, प्रोडक्ट का जो टूटने का जो चांस है वो कम हो जाए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेजाइल टेप्स का, आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो मैं आपको बता पाई हूँ। और फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।